बच्चों, कल के क्लास में हमने पढ़ा था सबसे पहले एक्टिव वॉइस, ठीक है। देन हमने पढ़ा था पैसिव वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस क्या है? एक्टिव और पैसिव वॉइस में बस हमने इतना पढ़ा था कि यहाँ पे एक्टिव बोलता है ना सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देता हूँ, और पैसिव बोलता है ना एक्शन को, जो काम हुआ। तो यही डिफरेंस था दैट पे, ठीक है। देन इसमें हमने डिटेल में पढ़ लिया था। देन नेक्स्ट टॉपिक था हमारा आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है बेटा? आर्टिकल बोलता है कि मैं नाउन के आगे लगने वाला एक वर्ड हूँ जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है। तीन टाइप के आर्टिकल होते हैं, ए, एंड और डी। आर्टिकल पर दो बाइफर्केशन कर रखा है, डी को बोल रखा है। जब भी हम किसी चीज को डेफिनेटली स्पेसिफिक बोलते हैं है ना, तो वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, और किसी चीज को हम इन जनरल बोलते हैं तब ए और एंड का यूज करते हैं, ये होता है आर्टिकल, ठीक है। चलो, देन थर्ड चीज हमने पढ़ी थी बच्चा, वर्ब के टेंसेस। टेंसेस मतलब क्या होता है बच्चों? टाइम। वर्ब के टेंसेस से हमें पता चलता है किस टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। फिर प्रेजेंट में भी कब की बात हो रही है, कि भाई सिंपल बातें कर रहे हैं हम, या फिर जो काम चल रहा है हो चुका है, या आधा चल रहा है आधा हो चुका है, है ना। तो ये हमें वर्ब के टेंसेस बताते हैं। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है, और हर हर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में उसके चार फॉर्म होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो बच्चा आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज का फ्रेश टॉपिक है हमारा क्या बच्चों? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? आइए बच्चा, जब भी हम पढ़ते हैं कोई भी सेंटेंस, तो उसमें सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या है? सब्जेक्ट का मतलब वो नाउन है, वो प्रोनाउन है ना। सब्जेक्ट मतलब क्या? हम हमेशा नाउन प्रोनाउन लिखते हैं ना आगे, ठीक है। तो उसके बाद का जितना भी सेंटेंस होता है उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। वापस से, कोई भी एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट, बाकी पार्ट होता है पूरा पूरा प्रेडिकेट। आइए समझते हैं। एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज टू पार्ट, उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक पार्ट होता है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट बताता है टेल अस व्हाट और हु द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट बताता है कि सेंटेंस में किसके बारे में बोल रहे हैं, सेंटेंस में किसके बारे में बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, द हॉर्स रन इन द फील्ड। जो घोड़ा है वो क्या कर रहा है ना, फील्ड में दौड़ रहा है। तो सब्जेक्ट हमें बताता है किसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो हॉर्स है वो क्या है बच्चा? सब्जेक्ट है। वो क्या है? सब्जेक्ट है। देन प्रेडिकेट क्या होता है? बाकी का पूरा बचा बुचा स्टेटमेंट इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट बताता है टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या कर रहा है। वापस है, सब्जेक्ट मतलब कि पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है ना। तो कौन कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट, और क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो होता है पूरा पूरा प्रेडिकेट। जैसे फिर से एग्जांपल में आओ, दी हॉर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या कर रहा है वो सब्जेक्ट, वो दौड़ लगा रहे हैं रन इन द फील्ड। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ नीचे इंपॉर्टेंट बात बोल रखी है। सब्जेक्ट को पहले एक्सप्लेन किया है इन्होंने यहाँ पर। सब्जेक्ट हुआ व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, किसके बारे में बताया जा रहा है वो सब्जेक्ट होता है। देन सब्जेक्ट एक तरीके से डूअर होता है ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन मतलब कि काम करने वाला। इस पूरे एग्जाम्पल में हॉर्स ही तो है जो दौड़ लगा रहा है, तो हॉर्स सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है। एंड थर्ड हैज अ नाउन एंड प्रोनाउन। सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। व्हाट डू यू मीन बाय नाउन? नाउन का हमने मीनिंग पढ़ा था। नाउन मतलब भी किसी भी चीज का, नाउन मतलब किसी भी चीज का क्या बच्चों? नेम, ठीक है, चाहे वो कोई भी प्लेस हो, कोई थिंग हो, ठीक है। चलिए, देन प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन क्या है जो नाउन के जगह पे लगता है, जैसे प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो जिसके बारे में सेंटेंस में बोला जा रहा है, वो एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है, और वो नाउन या प्रोनाउन। चलिए अब पढ़ते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट मतलब कि व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज। सब्जेक्ट जो कर रहा है वो सब प्रेडिकेट होता है। एक्शन होता है सब, प्रेडिकेट क्या होता है बच्चों? एक्शन होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों? वर्ब होता है। जब नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट में आएगा तो प्रेडिकेट में क्या आएगा? वर्ब आएगा। रैन क्या है? रैन क्या है बच्चों? वर्ब है। चले रहे? चलिए yes, अब कुछ एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, सैम
एट अ क्रीम केक, सैम क्या कर रहा है भाई, क्रीम वाला केक खा रहा है, तो सैम क्या हो गया बच्चा, सब्जेक्ट, सैम क्या हो गया सब्जेक्ट, खा रहा है क्रीम केक, प्रेडिकेट, हमें बस सब्जेक्ट ढूंढना है, बाकी सब प्रेडिकेट, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राजेश प्ले अ बैडमिंटन रेगुलरली, राजेश हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी सब प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, आई बिल्ड अ सैंड कैसल एट द बीच, मैंने बनाया बीच में, है ना, रेतों का, है ना, मैंने महल बनाया बीच में, तो आई आई सब्जेक्ट हो गया, बाकी सब क्या हो गया प्रेडिकेट, बस हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, बाकी सब प्रेडिकेट, ठीक है। चलिए माइक एंड जॉर्ज, माइक एंड जॉर्ज नाउ दो लड़के, ठीक है, प्ले इन द मड, मिट्टी में खेल रहे, प्रेडिकेट, ठीक है। तो बस सब्जेक्ट ढूंढो, बाकी सब प्रेडिकेट, यस क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बच्चा। मैम, चलिए तो यहाँ पर ये टॉपिक होता है हमारा होमवर्क। चलिए अब हम पढ़ते हैं बेटा कि नोट्स में क्या लिखा है सब्जेक्ट सर्टिफिकेट को लेकर। चलिए आ जाओ, कुछ नहीं बच्चा, सिंपल सिंपल बात देखिए। यस मैम, पेज नंबर, पेज नंबर 8 में, मैम ठीक एट है। तो बच्चा सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब सेंटेंस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, वेरियस पर्पस के लिए हम सेंटेंसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू मीन बाय सेंटेंस, सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इज कॉल्ड सेंटेंस, क्योंकि एक कंप्लीट सेंस डेवलप करता है। व्हाट डू मीन बाय सेंटेंस, सेंटेंस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक पूरे का पूरा मीनिंग निकलता है, ठीक है। नीचे ये सारी चीजें स्केप, इधर उधर की बातें हैं, नीचे आ जाओ, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आ जाओ। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। यस एक मैम, पार्ट, एक पार्ट होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट, बस बच्चों इतना ही समझा, कुछ नहीं समझा, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग स्पीकिंग अबाउट, ठीक है, सेंटेंस में जिसके बारे में बोलते हैं वो होता है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रेडिकेट क्या होता है, द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, दैट वॉज प्रेडिकेट। खत्म बच्चा, इतना ही और कुछ नहीं। क्लियर बेटा, यस यस बड़े आगे। मैम, यस मैम, चलो